गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट शीट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जी हां फ्रेंड्स, अक्टूबर 2019 से जीएसटी का न्यू रिटर्न सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाएगा और अक्टूबर 2019 से लेके जनवरी 2020 तक, मतलब अक्टूबर महीने की, नवम्बर महीने की, दिसंबर महीने की और जनवरी महीने की जो 4 महीने की रिटर्ने जानी है उसके अंदर काफी सारी चीजें जो है ध्यान में रखनी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे अक्टूबर 19 से लेके जनवरी 20 जीएसटी रिटर्न की फुल लिस्ट। इसमें हर एक चीज के बारे में मैंने टेबुलर फॉर्म में डाला हुआ है, तो ये मैंने ओपन किया है टेबल आपके सामने। यहाँ पर हम लोग समझते हैं एक एक करके। यहाँ पर एक साथ सारी चीजों को देखने से काफी ज्यादा घबराहट और काफी ज्यादा जो है बेचैनी सी लगती है, लेकिन एक एक करके समझेंगे तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा ये काम कर पाना। सबसे पहले है टैक्स पीरियड वाला कॉलम हमारे पास, उसके बाद जीएसटीआर 3B किसे किसे फाइल करनी है, किस किस महीने की फाइल करनी है, PMT 08 का जो फॉर्म है वो कब कब फाइल करना है और किसे किसे फाइल करना है, GSTR 1 कब फाइल होगा, किसे फाइल करना है, GSTRET 1 रिटर्न वो कब फाइल होगा और किसे फाइल करना है, GSTANX 1 जो इनवॉइस अपलोड का सिस्टम है वो किसे अपलोड करना है और किसे नहीं, और इनवॉइस अपलोडिंग कब कब और किस किस सिचुएशन में होने वाली है। तो इसमें हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांट रखा है टैक्स पेयर्स को, स्मॉल टैक्स पेयर्स एंड लार्ज टैक्स पेयर्स। स्मॉल टैक्स पेयर्स का मतलब होता है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से कम या उसके बराबर है तो वो स्मॉल टैक्स पेयर्स में आएंगे। अगर आप न्यूली रजिस्टर्ड हैं तो आपका टर्नओवर आप मान सकते हैं कि आप 5 करोड़ से कम का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप अकॉर्डिंगली फर्स्ट ऑप्शन में जा सकते हैं, लेकिन जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ से क्रॉस करे तो आपको शिफ्ट कर जाना होगा लार्ज टैक्स पेयर्स में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो अब सबसे पहला सवाल है कि अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो हम लोगों को क्या करना है अक्टूबर 19 से लेके जनवरी 2020 तक फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। सबसे पहला कॉलम है हमारे पास GSTR 3B का। क्या हम लोगों को अक्टूबर ऑनवर्ड्स GSTR 3B भरना है? तो आप देख पा रहे हैं अक्टूबर 2019 GSTR 3B नो, आपको नहीं फाइल करना है। नवंबर की भी नहीं फाइल होगी, दिसंबर की भी नहीं फाइल होगी, जनवरी 2020 की भी नहीं फाइल होगी। अब यहां पर सवाल ये उठता है अक्टूबर महीने की GSTR 3B फाइल नहीं होनी है तो क्या जो 20 अक्टूबर को 3B जानी है वो भी फाइल नहीं होगी? आप समझिए चीज को, अक्टूबर 2019 की GSTR 3B से मतलब ये होता है कि अक्टूबर महीने के अंदर जो भी आपने सेल या परचेज किया उससे रिलेटेड जो 3B आप फाइल करते नवंबर 20 को वो आपको नहीं फाइल करना है, लेकिन सितंबर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है जो आपको 20 अक्टूबर को फाइल करना है वो तो जाएगी ही जाएगी। कहने का मतलब है कि अक्टूबर 19 से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है, मतलब अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपको GSTR 3B नहीं फाइल करना, सितंबर का तो फाइल करना ही होगा ना, तो अक्टूबर के लिए आपको GSTR 3B नहीं फाइल करना है, नवंबर के लिए भी नहीं करना है, मतलब आपको 3B लास्ट जो फाइल करेंगे आप सितंबर 2019 की फाइल करेंगे, इसके बाद आपको GSTR 3B से छुटकारा मिल जाएगा जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं। सर ये तो मजे आ गए, GSTR 3B नहीं फाइल करना है मतलब हमें टैक्स जमा नहीं करना। सर रुकिए, अगला फॉर्म है हमारे पास GST PMT 08। ये छोटा भाई है GSTR 3B का। GSTR 3B में अभी हम लोग सेल का डिटेल्स, परचेज का डिटेल्स, आउटपुट, इनपुट जो भी एडजस्टमेंट होता है कर करा के अपना टैक्स जमा कर देते हैं मंथली बेसिस पे। PMT 08 भी वही है, नाम चेंज कर दिया गया है, फंक्शन वही है। PMT 08 के अंदर भी आपको अपना आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर करना है, अपनी आउटपुट लाइबिलिटी डिक्लेयर करनी है, अपनी परचेज की इनपुट टैक्स क्रेडिट डिक्लेयर करना है, RCM डिक्लेयर करना है, जो आपका लाइबिलिटी बनता है आउटपुट और इनपुट एडजस्ट करने के बाद वो आपको उसमें पे करना होता है सेल्फ असेस्ड टैक्स लाइबिलिटी ऑन मंथली बेसिस। तो अक्टूबर से जब हमारा 3B बंद हो जाएगा तो आपको कौन सा फाइल करना है? आपको फाइल करना है PMT 08 अक्टूबर महीने के लिए, और नवंबर 19 के लिए भी आपको PMT 08 भर के अपना टैक्स जो है मंथली बेसिस पे जमा करना है, जैसे अभी हम लोग GSTR 3B के लिए करते हैं। अब जैसे अभी हम लोग GSTR 1 क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करते हैं, सिमिलर पैटर्न पे आपको जीएसटी न्यू रिटर्न के अंदर भी अक्टूबर नवंबर की PMT 08 लगाने के बाद क्वार्टरली जीएसटी
RET1 भी लगाना होगा। कैसे होगा, क्या होगा, अभी बताते हैं थोड़ी देर में। दिसंबर 19 के लिए अगर आप देखें तो यहां पे PMT08 का फाइलिंग ऑप्शन नो किया हुआ है, मतलब दिसंबर 2019 की जो PMT08 है वो आपको फाइल नहीं करनी। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि अक्टूबर का टैक्स जमा कर देंगे, नवंबर का टैक्स जमा कर देंगे और दिसंबर का टैक्स जमा ही नहीं होगा, क्योंकि ना तो 3B फाइल करनी है ना ही PMT08 फाइल करनी है। मैंने कहा रुको, PMT08 नहीं फाइल करनी है, लेकिन फिर आपको GST ANX1 और आपको GST RET1 जो है वो फाइल करनी होगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की इकट्ठी जनवरी 2020 में। अभी आते हैं उस पे। जब हम लोग GST RET1 का फॉर्मेट जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड करी हुई है, अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को एक बार रेफर जरूर कीजिएगा, आपको चीजें समझ आएंगी कि RET1 क्या है, ANX1 क्या है, PMT08 क्या है। RET1 जब आप फाइल करेंगे तो आपको उसके अंदर तीनों महीने की आउटपुट लाइबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट का ब्यौरा मांगा गया है। तो 2 महीने की आपने PMT08 में ऑलरेडी डाली हुई है, वो डेटा ऑटोमेटिकली RET1 में शिफ्ट हो जाता है। जब वो RET1 में शिफ्ट हो जाएगा तो 3 महीने का लाइबिलिटी आपने उसमें डिक्लेयर किया है, 2 महीने की लाइबिलिटी आपने पे कर दी है, दिसंबर की लाइबिलिटी आप RET1 से पे करेंगे। तो RET1 में दिसंबर की टैक्स पेमेंट जो है वो होती है। उसके बाद जनवरी 2020 से आपको फिर से PMT08 फाइल करना है, फिर फरवरी 2020 से आपको अपना जो है PMT08 फाइल करना है, और फिर मार्च महीने में आपको PMT08 नहीं फाइल करना, फिर अप्रैल 2020 में जो है आप जनवरी से लेकर मार्च तक की टैक्स पेमेंट इकट्ठा करके एडजस्ट करेंगे। तो ये हो गया अपने पास PMT08 का टाइम शेड्यूल, अक्टूबर में फाइल करना है, नवंबर में फाइल करना है और दिसंबर के लिए फाइल नहीं करना है। क्या आप GSTR3 भी नहीं फाइल करना है तो GSTR1 भी नहीं फाइल करना है? जी हाँ फ्रेंड्स, आपको अक्टूबर 2019, नवंबर 19, दिसंबर 19 और जनवरी 2020 इन चारों महीने के लिए GSTR1 भी नहीं फाइल करना है। मतलब अगर आप छोटे टैक्स पेयर हैं तो आपके लिए सितंबर महीने की GSTR3B और सितंबर महीने की GSTR1 जो है वो आखिरी रिटर्न होने वाली है। जो भी करना है, जो भी ठीक करना है, अमेंडमेंट करना है, जो भी आपको 18-19 से रिलेटेड या 3B और GSTR1 से रिलेटेड काम करना है, सितंबर 2019 की रिटर्न आपकी आखिरी रिटर्न होने वाली है। इसीलिए इसको फाइल करने से पहले बेहद जरूरी है कि आप अपनी सारी चीजें ठीक कर लें, नहीं तो आगे चल के परेशानी हो सकती है। GSTR1 भी आपको नहीं फाइल करना है। अब आते हैं GST RET1। जब मैं GST RET1 की बात करता हूं तो आप इसके साथ RET2 और RET3 भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि RET1 का जो फॉर्म है ये बेसिकली रिटर्न का फॉर्मेट है, इसी का सब फॉर्मेट दिया गया है RET2 और RET3 बेस्ड ऑन योर ट्रांजैक्शंस। आप चाहे तो 1 फाइल कर सकते हैं, 2 फाइल कर सकते हैं, 3 फाइल कर सकते हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी एक फाइल आपको करना पड़ेगा। मैंने RET1 को ले रखा है क्योंकि ये आपका जो नॉर्मल रिटर्न है क्वार्टरली वालों के लिए उसकी बात करता है। यहां पे आप देखेंगे अगर आप लेस देन 5 करोड़ वाले में हैं तो आपको रिटर्न क्वार्टरली फाइल करनी है, इसीलिए अक्टूबर 2019 में फाइल नहीं करना है, नवंबर 19 में भी फाइल नहीं करना है, दिसंबर 19 में भी ये वाली रिटर्न नहीं फाइल होगी। ये पहली रिटर्न आपको जो फाइल करनी है GST RET1 की, ये आपको जनवरी 2020 में फाइल करनी है। अक्टूबर से लेके दिसंबर क्वार्टर की सारी डिटेल्स आपको क्वार्टरली जनवरी 2020 में डायरेक्टली फाइल होनी है। इसका मतलब यह हुआ कि जो छोटा टैक्स पेयर है उसको अभी सिर्फ 3 चीजें करनी है, PMT08 और RET1 की तैयारी करनी है, RET1 को भरने के लिए प्रिपेयर होना है। तो प्रिपेयर कैसे होंगे, इसके लिए हमारे पास है GST ANX1। RET1 का मोटा मोटा मैं आपको बताऊं अगर तो उसके अंदर 2 पार्ट है, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई आपकी GST ANX1 से बनेगी और इनवर्ड सप्लाई आपकी ANX2 से बनेगी, और आपका ANX2 ऑटोमेटिक ड्राफ्ट होगा सामने वाले मतलब आपके सप्लायर एंड से जो ANX1 फाइल किया जाएगा उसके बेसिस पे आपका ANX2 बनेगा, जिसके बेसिस पे आपका RET1 का जो है दूसरा वाला जो पार्ट है इनवर्ड सप्लाई का वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो RET1 आपको फाइल करना है अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जनवरी 2020 में, और आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको इसको कुछ भी नहीं करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज है GST ANX1।
जीएसटी ए एन एक्स वन के अंदर जो है आपको कब कब फाइलिंग करनी है, क्या आपको जीएसटी ए एन एक्स वन फाइल करना है अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का? नहीं फाइल करना है आपको, ए एन एक्स वन जो फाइल करना है वो भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की इकट्ठी फाइल करनी है जनवरी 2020 में। आप जैसे ही जनवरी 2020 में अपना ए एन एक्स वन डालेंगे, आपका जो आरईटी वन का रिटर्न है वो ऑटोमेटिक प्रिपेयर होकर के आ जाएगा और आपका परचेज डिटेल्स सामने वाले के एनएक्स टू के बेसिस पे आपके सामने अपलोड किया जाएगा। और आपने दो महीने का टैक्स ऑलरेडी जमा किया हुआ है, आईटीसी ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है, उसको मैचिंग किया जाएगा, आपकी आरईटी वन और एनएक्स वन से आपकी लायबिलिटी बनेगी, जो डिफरेंसेस है वो आप आरईटी वन में पे करके अपना रिटर्न जो है फाइनली सबमिट करेंगे। लास्ट ऑप्शन है इनवॉइस अपलोड का। तो क्या सर हम लोगों को इनवॉइस भी अपलोड नहीं करना? तो जो बंदा क्वार्टरली फाइलर है, अगर उससे कोई मंथली फाइलर वाला रिटर्न परचेज करता है उस केस में क्या होगा? इसीलिए आपको मैंने यहां बताया है कि आप चाहे छोटे व्यापारी हैं चाहे बड़े व्यापारी हैं, इनवॉइस अपलोड का जो फंक्शन है वो आप अक्टूबर से अपलोड करना चालू कर सकते हैं, आपको उसके अंदर कोई भी रुकावट नहीं है। इनवॉइस अपलोड करने के लिए आप ANX 1 का ही यूज करेंगे। ANX 1 अपलोड करना और ANX 1 को फाइल करना अलग अलग चीज है। इनवॉइस अपलोड करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा ANX 1 में, ANX 1 को फाइल करने का ऑप्शन आपको मिलेगा क्वार्टर के एंड में। तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमने क्वार्टरली जाकर के एक ही बार में इनवॉइस अपलोड करेंगे, इसमें आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। इनवॉइस अपलोड आप कंटिन्यूअस बेसिस पे कर सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ANX 1 के अंदर इनवॉइस अपलोड आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी चारों महीने के अंदर कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से उसको कर सकते हैं। तो ये पूरा शेड्यूल हुआ छोटे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है। अब आते हैं जो लार्ज टैक्स पेयर्स हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, इनके लिए थोड़ा सा सिचुएशन जो है चेंज होने वाला है। इनके लिए GSTR 3B कब लास्ट होने वाली है? इनको जो अपनी GSTR 3B फाइल करनी है वो अक्टूबर 19 की भी फाइल करनी है, नवंबर 19 की भी। मतलब छोटे टैक्स पेयर्स को तो लास्ट सितंबर की है, लेकिन जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए जो GSTR 3B है वो अक्टूबर महीने की भी फाइल होगी, नवंबर महीने की भी फाइल होगी। इनके लिए GSTR 3B जो लास्ट होगी वो होगी नवंबर महीने की। दिसंबर ऑनवर्ड्स इनको GSTR 3B नहीं फाइल करना। इसका कारण यह है कि GST PMT 08 का जो फॉर्म है वो लार्ज टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लार्ज टैक्स पेयर्स को PMT 08 में नहीं टैक्स पे करना। तो टैक्स तो कहीं तो पे करना होगा, या तो PMT 08 या फिर आपको अपना GSTR 3B या फिर GST RET 1। तो लास्ट टैक्स पेयर्स के लिए चूंकि अक्टूबर नवंबर में PMT 08 एक्टिव नहीं रहेगा जो छोटे टैक्स पेयर्स के लिए रहेगा, तो इसीलिए अब यहां पर सवाल उठ जाता है कि आपको 3B तो फाइल कर लेना है और दिसंबर का भी नहीं फाइल करना है, जनवरी का भी नहीं फाइल करना है, क्या होगा टैक्स पेमेंट का वो भी हम लोग आगे देखते हैं। PMT 08 लास्ट टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो वो ना तो अक्टूबर में फाइल होगा, ना नवंबर में, ना दिसंबर में, ना जनवरी में। उसके बाद आता है GSTR 1। GSTR 1 जो है सभी के लिए, चाहे वो छोटे टैक्स पेयर हो चाहे वो बड़े टैक्स पेयर हो, GSTR 1 की छुट्टी सितंबर 19 के बाद हो जानी है। GSTR 1 सितंबर 19 के बाद फाइल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ GSTR 3B 2 महीने के लिए फाइल होगी, वो भी बड़े टैक्स पेयर्स के द्वारा। अब आता है GST RET 1। GST RET 1 का जो फॉर्म है वो अक्टूबर 19 में और नवंबर 19 में बड़े टैक्स पेयर्स को भी नहीं फाइल करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्टूबर 19 और नवंबर 19 में RET 1 का जो फॉर्म है वो बड़े टैक्स पेयर्स को भी नहीं फाइल करना है। हालांकि बड़े टैक्स पेयर्स के लिए मंथली रिटर्न फाइलिंग ऑप्शन है, लेकिन इनिशियल 2 मंथ्स के लिए ये रिलैक्सेशन दी गई है RET 1 से रिलेटेड, लेकिन आपको दिसंबर 2019 से मंथली फाइलिंग करनी होगी। इसीलिए अगर आप देखें तो आपको GSTR 3B फाइल करने के लिए बोला गया है अक्टूबर और नवंबर 2019 के लिए। जब ये अक्टूबर नवंबर के बाद दिसंबर से 3B बंद हो जाएगी, तब आपके लिए RET 1 का ऑप्शन ओपन कर दिया जाएगा, लेकिन सामने ANX 1 का जो डेटा है वो आपको अक्टूबर ऑनवर्ड्स फाइल करना मैंडेटरी है। यहां पर लार्ज टैक्स पेयर्स के लिए ANX 1 को फाइल करना है,
छोटे टैक्स पेयर्स के लिए एएनएक्स वन में सिर्फ इनवॉइस अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन लार्ज टैक्स पेयर्स के लिए एएनएक्स वन के अंदर फाइलिंग मैंडेटरी है। इनवॉइस अपलोड करके छोड़ देने से नहीं होगा, उसे फाइलिंग भी करनी होगी ताकि आपका लाइबिलिटी जो है वो डिटरमाइन हो सके। तो आपको अक्टूबर ऑनवर्ड्स एएनएक्स वन फाइल करना है, नवंबर का भी एएनएक्स वन फाइल होगा, दिसंबर का भी एएनएक्स वन फाइल होगा और जनवरी 2020 का भी एएनएक्स वन का रिटर्न जो है वो फाइल किया जाएगा। उसके बाद दिसंबर 19 से आपको आरईटी वन जो है मंथली मंथली फाइल करना है। आपका एएनएक्स वन से लाइबिलिटी बनेगा और एएनएक्स टू से आपका आईटीसी बनेगा। उस दोनों को आप एडजस्ट करके अपनी मंथली रिटर्न जो है जनवरी 2020 और दिसंबर 2019 से कंटिन्यूअसली फाइल करेंगे। तो यहां पर हमारे पास हो गया दिसंबर 19 का आरईटी वन में यस, और जनवरी 2020 में आरईटी वन का रिटर्न यस। एएनएक्स वन आपको अक्टूबर ऑनवर्ड फाइलिंग स्टार्ट कर देनी है। और इनवॉइस अपलोड तो है, आप छोटे हो चाहे बड़े हो, सबके लिए एक ही चीज है, इनवॉइस अपलोड आप कंटिन्यूअस बेसिस पे 1 अक्टूबर 2019 से जो है आप करेंगे। तो ये एक पूरी डिटेल्ड शीट है जिसके अंदर आपको सारी चीजें बताई गई हैं कि अक्टूबर से लेके जनवरी के अंदर कौन सी रिटर्न आपको कब कब फाइल करनी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी और आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि अक्टूबर से लेके जनवरी 20 तक की जो रिटर्न की शेड्यूल है, जो इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल है, उसको कैसे फॉलो करना है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।